सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद हम अंधुले अंध बिखे बिखराते क्यों चालें गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली समुची मानवता दे सर्व सांझे रहबर धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी इलाही हजूरी अंदर खालसा प्रगट दिवस वैसाखी नू समर्पित हो रहे विशेष गुरमत समागम छाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वल्लों बख्शी फतेह परवानो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बुडमुलियां विचारां आप जी ने पहला श्रवण कीतियां हन, वक्त बहुत थोड़ा है, कृपा करियो जिन्हियां मेरियां भैणां मावां वीर बजुर्ग आसे पासे घूम फिर रहे हैं अपने कोल 35 मिनट बचदे है 35 मिनट विच जिन्नी क गल हो सकी आपां यतन करांगे, एकाग्रता बनायो सारे भैण भरा। गुरु सवारियो इतिहास दियां बहुत सारियां घटनावां वैसाखी दे दिन नाल संबंधित हन। सतगुरु श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दा प्रकाश वैसाखी वाले दिन हुंदा है। मैं बहुत संखेप दे विच दो तीन नुक्ते सांझे करने चाहुंना और जे समा बचिया थोड़ी जी करंट इशू ते भी गल करांगा, पर मेरियां भैणां चुप दा दान जरूर बख्शो, आपस च गल्लां ना करियो प्लीज, टाइम एवें ना खराब हो जाए। एक तां वैसाखी संबंधी खालसा अते पंज प्यारियां दी गल आपां अहम रूप दे विच पहलां थोड़ी थोड़ी करिए। जगत गुरु बाबा धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी का प्रकाश वैसाखी वाले दिन होया। सिखां दे विच तीजे पातशाह सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी के वक्त तो ही वैसाखी का दिन मनाया जाना प्रचलित हो गया सी।
कुछ इतिहासकारां दा ये भी मनना है कि जदों मानवता नूं ज्ञान बख्शण दे लई गुरु नानक साहिब पातशाह ने प्रचारक दौरे आरंभे है, चढ़िया सोधन धरत लुकाई, वो प्रचारक दौरिया की आरंभता का दिन भी वैसाखी का सी। सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने गोइंदवाल साहब विखे बौली का निर्माण करवाया, बिप्रवाद नूं बड़ा वड्डा चैलेंज किया कि सारे लोग इको थां तो पानी पींदे ते इशनान करदे है। उस बौली का कड़ भी वैसाखी वाले दिन टुटिया। अठवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने ज्योति जोत समाउण दे वक्त जेडे शब्द कहे सन, बाबा वसे ग्राम बकाले, ओ दिन भी वैसाखी दा सी। संमत 1756 दी वैसाखी जिनू अज आपां याद करन लई बैठे हां, जेड़ी 1699 दी 30 मार्च दी वैसाखी है जदों खालसा प्रगट होंदा है। प्यारिओ खालसा लफ़ज़ जेड़ा है ये अरबी दे विच भी है ते ये फारसी दे विच भी है। जदों खालसा लफ़ज़ अरबी दा होवे इहदा मतलब है शुद्ध, प्योर, खालस। जदों खालसा लफ़ज़ फारसी दा होवे इहदा मतलब है आजाद। सब तो पहली बार जिहड़ा खालसा लफ़ज़ है भगत कबीर साहिब महाराज जी ने वरतिया गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन अंक 655 दे उपर, कहो कबीर जन भए खालसे प्रेम भगत जे जानी। इत्थे भगत दे तत्ते नूं सिहारी है, अर्थ बनेगा भगती, कि जेड़े प्यार विच भिज के भगती करदे ने उह खालसे बन जांदे है, उह आजाद हो जांदे ने। उह सिर्फ एक अकाल पुरख तो बिना किसे दी अधीनगी नहीं कबूलदे। दूसरी बार जिहड़ा खालसा लफ्ज़ वरते है, अकबर का एक दरबारी होया दीवान टोडरमल, उन्हें जमीन नूं चार हिस्सों के वंडिया सी। एक हिस्से की जमीन नूं किया सी खालसा जमीन, जमीन का नाम सी खालसा जमीन। जिहड़ी है वह सीधी मुल्क दे बादशाह दी जमीन होंदी सी, जिहदे ते कार टैक्स कुछ भी नहीं सी लगदा। तीजी वार जिहड़ा खालसा लफ्ज़ है, सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी छेवें पातशाह ने जिहड़ियां चिट्ठियां लिखियां संगत नूं, उहदे विच भी इस लफ्ज़ दी वरतों कीती गई। चौथी वार जिहड़ा खालसा लफ्ज़ है, नौवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने पटना साहब की संगत के नाँ ते एक हुक्मनामा जारी किया, उत्थे भी खालसा लफ्ज़ की वरतों की गई। पंजवीं वार खालसा जिन्हों आपां अज याद कर रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ा प्रगट किया, पंज प्यारियां की जिहड़ी चोण होंदी, पंज प्यारे भाई कान सिंह जी नाभा महान कोश दे विच लिखते ने कि पंज प्यारे चुने जाण दी जिहड़ी रवायत है यह गुरु नानक साहब महाराज जी दे वक्त तो शुरू हो गई सी, पर जिहड़ा सानू डिटेल मिलदा है वह सिर्फ तीन पातशाहियां वेले का मिलदा। दसवें पातशाह वेले दे पंज प्यारियां नूं आपां सारियां ने अज याद करना है,
पर महान कोश दे विच जिक्र है पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दे वक्त जेड़े पांच प्यारे सन भाई बिधि चंद जी, भाई जेठा जी, भाई पिराणा जी, भाई पैड़ा जी ते भाई लंगा जी। इसे तरह वह जिक्र करते ने नौवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे वक्त जेड़े पांच प्यारे सन भाई मतीदास जी, भाई दयालदास जी, भाई गुरदित्ता जी, भाई उदय जी अते भाई जेता जी। दसवें पातशाह दे वक्त जेड़े पांच प्यारे जिन्हां अज आपां याद करना है प्यारियो, संमत 1756 दी वैसाखी, इतिहास दे तुसीं सारे जानकार बैठे हो। मैं बहुत संखेप जे समय विच जिक्र ये करना चाहुंना कि जेड़े पांच प्यारे साहिबान 1699 दी वैसाखी नूं जिन्हां दी चोण होई है वह किहड़े इलाकियां दे विच्चों आए ने, उन्हां इलाकियां दा माहौल किवें दा सी, कृपा करियो इस नुक्ते नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझ लियो जी। गुरु सवारियो, अकाल पुरख वाहिगुरु की बहुत बड़ी बख्शिश गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे हुकम दी बदौलत अते गुरसिखां दी अणथक मेहनत सदका संमत 1756 दी वैसाखी नूं एक वड्डा इकट्ठ तख्त श्री केसगढ़ साहब की धरती आनंदपुर साहब विखे होया। यह इकट्ठ की गिणती विद्वाना ने वक्री वक्री दसी है, हजारां के हिसाब न गिणती दे विच बात भेद होंदा है, वह अक्सर पै जांदी है इन्नी एक गल्लां। पर एक गल का सानू चंगी तरह एहसास होंदा है कि यह महीनिया बद्दी पहला इस प्रोग्राम की तैयारी की गई सी, क्योंकि तुसी सोचियो जे लाहौर तो दया राम जी आ रहे ने दा मतलब लाहौर तक पहला तो संगत नूं सुनेहा पहुंचे, दिल्ली तक, द्वारका, जगन्नाथ, बिदर सारे दूर दुराडे सुनेहा भेजिया गया कि भावां वैसाखी ते संगत हर वार वड्डा इकट्ठ सिखां दा हुंदा है, पर इस वार संगत ने बढ़ चढ़ के पहुंचना है क्योंकि इस वार विशेष प्रोग्राम दिता जाना है। तां हुण दीवान की समाप्ति तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह अपनी शमशीर कढ दे, तुसी इस गल नूं सारे समझदे हो, मैं संखेप च कह के उस पॉइंट ते आवां कि मैनूं एक सीस चाहिए, तां कौन उठदा है जी? सब तो पहला भाई पारो खत्री दे दी कुल विच्चों बाबे सुद्धे दे घर माता दयाली दी परम पवित्र कुखों संमत 1726 नूं जन्मे ने दया राम जी। ते दया राम कित्थों आए ने? लाहौर तो। लाहौर तो दया आनी सचमुच एक बड़ा चमत्कार सी, क्योंकि लाहौर शहर वो है जिदे बारे जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक साहब पातशाह ने बख्शिश करके समझाया अपनी बाणी दे विच, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, जिथे अत्याचार होंदे ने पर किसी भी शहर का इलाके का माहौल हर वक्त इको जा नहीं रहिंदा। ए ओही लाहौर है जिस लाहौर के चूना मंडी बाजार में सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज का प्रकाश भी होया। ए ओही लाहौर है जिदे बारे
तीजे पातशाह ने यह शब्द वरते ने लाहौर शहर अमृतसर सिफती का कर, पर लाहौर शहर विच जहर कहर किन्ना क वापरिया डिटेल विच तो आप नहीं जा सकते। तुहानू सारिया नू याद होगा ये ओही लाहौर है जिथे 30 मई सन 1606 नू सतगुरु अर्जन साहब पातशाह नू पहला तत्ती तवी ते बिठाया गया, गर्म रेत उन्हां दे सीस विच पाया गया, फिर तपे हुए शरीर नू रावी दे ठंडे पानी विच सुट के शहीद कर दिता गया। सन 1606 दे विच शांति दे समुंदर सतगुरु अर्जन साहब पातशाह दी शहादत लाहौर दे विच हुंदी है। लगभग 93 साल बाद 1699 विच गुरु गोबिंद सिंह दी आवाज दे नाल उन्हां कसाइयां दे शहर लाहौर दे विचों दया पैदा हो रही। दूजी आवाज सच्चे पातशाह फिर मार दे, एक सीस मैनू होर चाहिए तो हुण कौन उठद। संत राम जट दे घर, मैं ये जिहड़ी जात सिर्फ दसण लई दस रही हां कि किहड़े फिरकियां दे लोग जिन्हां नूं शूद्र किया जांदा सी, गुरमत विच जात पात नूं कोई मानता नहीं है, आप भली पंथ जाणदे हो, जिहड़े शूद्र मन्ने जांदे आ जिन्हां दे परछावें तों बचिया जा रहा सी, उन्हां परिवारां दे विचों उठे आ पंज प्यारे, क्योंकि कोई बेरा वीर भुलेखा ना खा जाए, जट भी शूद्र दे विच ही शामिल है। विपर दे मुताबक जिहड़े चार हिस्से है ना, कोई जिमीदार भरा अपने आप नूं होर वड्डा समझी जावे, विपर दे मुताबक असीं सारे शूद्र हाँ जिन्ने भी किरती। और जट किहड़ा ब्राह्मणा च आउंदे आ, खत्रियां च आउंदे आ, कवैश विच आउंदे आ, शूद्रां च आउंदे आ। विपर मुताबक आ गुरु ने सानू सारियां नूं मानता दित्ती, वो वड्डी गल है, वो गुरु की बख्शिश है। प्यारे वो नोट करे, दूजी आवाज दे उत्ते संत राम जट दे घर माता सावो की परम पवित्र कुखों संमत 1723 नूं, मैं संमत लफ्ज वरत रही हाँ, संमत 1723 नूं जन्मे ने दिल्ली की हसनापुरी दे विच धर्मचंद। दिल्ली तो धर्म आना यह भी बड़ी हैरानीजनक गल है, क्योंकि जिहड़ी दिल्ली है यह मुढ़ तो ही सियासत की किली समझी जाती रही है। दिल्ली दे विच धर्म वर्गी कोई गल नहीं सी, दिल्ली दे विच तां यह कहावत प्रचलित रही है दली सवरो वा ई सवरो, कि दिल्ली का राजा ही रब है। धार्मिक फील्ड विच विचरन वाले लोग यह प्रचार दे रहे ने के राजे का हुक्म मनना रब का हुक्म मनना है। ओही दिल्ली है जिथे सिकंदर लोधी ने पंडित बोधन नू एक बारी पुछिया सी के हिंदू चंगा जा मुसलमान, तो उन्हें जवाब दिता कि दोनों ही चंगे है। मुसलमान हिंदू नू तू चंगा किवें कह दिता, उहदा कतल कर दिता गया सी। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੌਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮਚੰਦ ਉੱਠੇ। ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਝੀਵਰ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਧੰਨੋ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ Yeah.
जगन्नाथ पुरी तो आए ने उड़ीसा तो। जगन्नाथ पुरी जिथों हिम्मत पैदा हो रही है उतों के लोगों के हिम्मत नहीं सी। बड़े सुस्त ढिलड़ ते अवेसले लोग मने जाते सन। उहदा कारण है गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बख्शिश की है कि अंधे गुंगे अंध अंधार पाथर ले पूजे मुगद गवार। पत्थर का जिहड़ा पुजारी है वह अन्ना गुंगा बोला हो जाता है महामूर्ख हो जाता है। प्यारे जगन्नाथ बारे स्कंद पुराण दे विच एक कहानी लिखी है। मेरा वो कहानी सुनाउण दा भाव बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहुंदा कि हिम्मत जगन्नाथ तो किवें पैदा होंदी है। जगन्नाथ दे लोकां नूं मैं सुस्त ढिल्लड़ अवेसले क्यों कहा उहदा कारण है। स्कंद पुराण दे विच ये लिखिया है कि श्री कृष्ण जी नूं शिकारी जर ने मार दिता सी। उहनां दे किसी भगत ने उन्होंने हड्डियां एक संदूक के पा के दब दब एक गुरमत की कोई मानता नहीं है इस गल से। स्कंद पुराण के विच ओ कहिंदे ने कि लंबे समय बाद विष्णु उड़ीसा के राजे इंद्र दमन सुपने विच आके गल कहिंदा है कि फलानी जगह ते कृष्ण जी दी अस्थियां पईयां ने, ओ अस्थियां नूं कढ़ा के उन्हां दी इदां मूर्ति बनाओ जगन्नाथ। उड़ीसा दे राजे इंद्र दमन ने विश्वकर्मा नाल राबता कायम कीता कि आपां जगन्नाथ दी मूर्ति बनाउणी। कहानी है उथे लिखे लिखे विश्वकर्मा ने एक शर्त रख रखी के मूर्ति तुसी मैं बना देंगा पर एक शर्त है जिन्ना चिर मैं मूर्ति बनावा मेरे नेड़े किसे ने नहीं आना। 15 दिन बीत गए विश्वकर्मा जी मूर्ति बना रहे सी के उन्हां दे जगन्नाथ दी मूर्ति दे अजे हाथ पैर नहीं सी लगे के उड़ीसा दा राजा इंद्र दमन काले पै गया। उन्हें वेख्या किवें दी मूर्ति बनी वेखा मैं। इहदे नाल विश्वकर्मा जी गुस्से हो गए ते उन्हें मूर्ति अध विचकार छड़ दित्ती। इह मनौत मन्नी जांदी है स्कंद पुराण के मुताबिक यही है। और जेड़े लोग उत्थे जाके दर्शन करते हैं और समझते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ पैर नहीं बने। हुण ध्यान रखियो पत्थर का पूजक जेड़ा वैसे ही होर तरह का मनुख हो जाता है ते पूजनी मूर्ति वह भी जिदे हाथ पैर ना होण उस टुंडी मूर्ति नूं पूजन वाले किन्ने क हिम्मती होणगे। ये मैं नहीं कह रहा जी, ध्यान नाल सुनियो। अज जिस किस्म के सिख बन गए मैं बाद च गल करदा। प्यारियो जेड़े सिखां नूं तुसीं नित अरदास विच याद करदे हो ना खोपरियां लहाइयां चरखियां ते चढ़े जेड़े खालसे है उन्हां दा जीवन जदों रतन सिंह पंगू ने लिखिया ते वह गल लिखदे है शब्द चौंकी गुर अपने की करें सो मरने ते नैक ना डरें गंगा जमना निकट ना जावें अपने गुर की छपड़ी नहावें जगन्नाथ को टुंडा आखें राम किशन को जाप ना पाखें। सिख जगन्नाथ नूं टुंडा कहिंदे रहे है। ये पंथ प्रकाश विच लिखी है रतन सिंह पंगू ने। हुण नोट करियो उस जगन्नाथ की मूर्ति नूं पूजन वाले सुस्त ढिल्लड़ लोकां दे विचों गुरु गोबिंद सिंह पिता की आवाज है जिहड़ी हिम्मत पैदा कर रही। चौथी आवाज फिर दिंदे है एक सीस मैनू होर चाहिए तो हुण कौन उठिया जी। तीर्थ राम छिंबे दे घर माता देवाबाई की कुखों संमत 1720 नूं जन्मे ने मोहकम चंद। मोहकम चंद कितों आया द्वारका तो। द्वारका दे विच द्वारका जिहड़ी है सन्मानयोग हिंदू वीरां दीआं सतपुरियां दे विचों एक अहम पुरी मन्नी जांदी। द्वारका दे विच मोहकम मोहकम का मतलब होंदा है
दृढ़ता सिरर ते द्वारका विच तां सिरर वर्गी कोई गल नहीं सी। किवें भला द्वारका दे विच श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति बनी है जिहदा नां है रण छड़ कहिंदे है। असल विच पुराना नां सी रण छोड़। रण छोड़ दी उत्थे बड़ी पूजा हुंदी। ध्यान दिओ जी, रण छोड़ की है? श्री कृष्ण जी एक बार उन्होंने लग्या कि मैदानी जंग दे विच जालम मेरे ते भारू पै रहा जेड़ा मेरा विरोधी ये लिखिया बकायदा। ओ उत्थों रण नू मैदानी जंग नू छड़ के चले गए, निकल गए से। उन्हां दी इस घटना नू याद रखन वास्ते उन्हां दे भगतां ने एक मूर्ति बनाई कृष्ण जी दी। उस मूर्ति दा नां ही रण छोड़ रखिया सी। समझ आ रही? रण छोड़। हुण पूजा करनी रण छोड़ दी ते फिर दृढ़ता की रहनी है जी? ये ते फैसला गुरु ग्रंथ साहिब दा है कि जिहो जी असी पूजा करते हैं उहे जी असी हो जाने हैं। वो विस्तार दा वक्त नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन अंक 874 पढ़ के वेख लो। भगत नामदेव साहिब दा पूरा शब्द है, भैरों भूत सीतला तावै। हुण पूजे रण छोड़ दी कर रहे ने, जिहड़ा रण छड के भजन की घटना नू महानता नाल याद किया जा रहा है ते दृढ़ता की रहनी है, सिरल की रहना है, फिर मोकम की हो गया। और रण छोड़ दी पूजा करने वाले लोगों विचों गुरु गोबिंद सिंह पिता की आवाज ने मोहकम पैदा किया, दृढ़ता सिरर। पांचवी आवाज फिर मार दी है, एक सीस मैनू होर चाहिए। तो हुण कौन उठिया जी? चमने नाई दे घर माता सोनाबाई की कुखों संमत 1719 नू जन्मे ने भाई साहिब। साहिब कितों आए ने? बिदर तो। बिदर बारे तो मेरा ख्याल सारिया ने असी सुनिया होगा ना प्यारे। बिदर सुदेश दासी का पुत्र सी। ये सच है कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें सत्कार तो दिता सी पर ओ रिहा दासी का पुत। बिदर दास समझे जाते। बिदर के लोगों विचों गुरु गोबिंद सिंह ने साहिब पैदा किया। पंज प्यारे अमृत शक्ति है, सिंह सजदे ने। और फिर मेरे कलगीधर पातशाह ने आप उन्हां पंजां तो अमृत छकिया। असी कई बार जदों क्यूज मुकाबले कराइए तो बच्चियां नूं अक्सर सवाल करीदा कि पंज सिरां दी मंग 1699 नूं पंज सिरां दी मंग किने कीती? इहदा ठीक जवाब है गुरु गोबिंद राय ने। सिंह बनन दे लई ते उहनां नूं अमृत छकना पै रिहा। जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप अमृत छक रहे ने, साडे सारे ओ सवाल मुका दिते ने सच्चे पातशाह ने जिहड़े असीं अजे तक कर रहे हां कि अमृत छकना जरूरी है जी, इह खंडे दी पहल जरूरी है। पंजां तों आप अमृत छकिया, मर्यादा दृढ़ कराई, पंज ककार बख्शे, बजर कुरैता सारा तुसीं जाणदे हो ते मैं गल नेड़े लै आवां। हुण जिन्ने भैण भरा बोल लिये बैठे हो की प्रगट होया आपां मना रहे हैं, की बनाया गुरु गोबिंद सिंह ने? वाहिगुरु जी का आवाज आई नहीं, प्लीज ध्यान दिओ, उच्ची बोलियो जी, वक्त थोड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा बनाया ना, वाहिगुरु जी का खालसा जेड़ा है ना वो वाहिगुरु जी का है। इहदा मतलब बड़ा वड्डा है, वो सिर्फ वाहिगुरु जी का है। कोई दुनियावी पावर, कोई कबर जंड खड, कोई बाबा, कोई देहधारी, कुछ नहीं। बस सीधे असी वाहिगुरु जी के हाँ। वाह वाह वाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए। असी तो वाहिगुरु जी के हाँ।
एक बार फिर पढ़ियो वाहिगुरु जी का ईमानदारी नाल मैं अपने अंदर निगाह मारदा तुसी अपने अंदर निगाह मारियो कि सच्ची मुची फीलिंग आ रही है कि मैं वाहिगुरु जी का आ रही है। हाँ जी भैणा नूं लग रहा सी वाहिगुरु जी का गुरु गोबिंद सिंह ने सानू की बनाया वाहिगुरु जी का खालसा बनाया ना बोलियो जी वाहिगुरु जी का। फिर नगा वाली शांप तुहाडे हाथ विच नहीं चाहीदी जे वाहिगुरु जी का खालसा एवें नारे जकारियां नाल गल नहीं बननी तोड़ के इत्थे सुट्टो जे वाहिगुरु जी का खालसा कहाउणा है तां विपरवादी धागे मैनू पता नहीं बनते इत्थे कि नहीं मौलियां सिट्टो तोड़ के आ छोटे छोटे जवाकां दे जिहड़े धागे तवीत कर करके पाए है वाहिगुरु जी का सीधा वाहिगुरु जी का जिहड़ा वाहिगुरु जी का वह किसी की अधीनगी कबूलदा है। ईमानदारी नाल सोचो साडा प्यो कौन है जवाब दिओ गुरु बोलियो जी गुरु ते फिर आपां की हां गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे हैं ना मैनू जवाब दे दो मेरे भरावो के गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे शाम नू पौने सत्त बजदे नाल शराब दा डट खोलदे वधिया लगदे है जवाब दे दो जी बोलो भैणा गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे किसे देहधारी नू एदा मत्था टेकन जिवें गुरु ग्रंथ साहिब नू टेकदे होंने आ मैनू दस्सियो ये माता साहिब कौर दे जवाकां दा काम है ये बोलियो जिहड़ा हाँ कहिंदा बाद च सरोपा उहनू देंगे आ जाओ कमाल की गल है किस किस्म के सिख पैदा हो गए यार आलू वर्गे सिख वढ के जिथे मर्जी पा लो हर सब्जी च आलू फिट आ जाता है तो अज का सिख हो जाओगे पता नहीं किहो जे सिखां से गुरु वल्लों दित्ता फलसफा सानू फिट नहीं नाम सानू फिट नहीं सिंह कौर शकलां तुसीं संभालियां जम्मू वालियां नूं इस गल्लों तां मुबारक देनी चाहीदी शकलां बहुत संभालियां इस कोई शक नहीं केसा धारी सारे भैण भरा पर जे सुरत विच उही विपरवाद है तो फिर मैनू माफ करियो गुरबाणी का एक फैसला यह भी सुन लियो गरीबां उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अगन मैं साड़ी सार सूरत रहना मुबारक है पर दाड़ा दाड़ा तो बहुत सोहना है दाड़ा तो बोलियो पर शाम नू भिजदा है शाम जी नू भिज जांदा कदे नाल भिजदा भैणा मावां नू चंगा मौका है गल करन दा हुण कदे नाल भिजी जांदा ते उदां फिर मूँह ते हाथ दाड़ा प्रकाश रखींदा भी रखींदा प्रकाश है शाम नू भिओ लैंदा नू फिर दाड़ा की करूँ तेरा इस करके जे असी पंज ककार पहनते हाँ साड़ी जिम्मेवारी वध के है ध्यान दिओ जी और नाल जिहड़ा वाहिगुरु जी का वह किसे दी अधीनगी नहीं कबूलता ये पक्की गल है जा तू मेरे वल है ता क्या मोहछंदा तुद सब कुछ मैनों सौंपिया जा तेरा बंदा जिहड़ा बंदा उहदा बन जांदा वह दुनियावी बंदियां की कोई परवाह नहीं करता वाहिगुरु जी का खालसा गुरु ने बनाया तो असी वाहिगुरु जी का खालसा बनना वाहिगुरु जी के बनना तो वाहिगुरु जी का खालसा जो पावर दे विच आउंदा ना जिहड़ी गल करके गए प्रधान साहब पहला मैं पांच मिनट च गल नेड़े रखा बस जो खालसा तखत ते बैठता है ता पूरे विश्व की हिस्ट्री यह कहती है कि दुनिया विच पहली बार मुजारियां नू मालक बनाया जांदा जमीना दे बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज है जेड़ा इंसाफ आधारित सरबत दे भले नू समर्पित खालसा राज है खालसा राज
पर यह दुख की गल है कि साढ़े सिखां दे विच ही इस किस्म के बंदे पैदा हो गए जेड़े अपने राज दे नायकां दे खिलाफ बोलते। मैं थोड़ी जी गल करनी है, मैनू आउंदे ही वीर मिल गए, वह कहिंदे पंजाब दे हालात बड़े होर तरह के बने पए है। जरूर गल करियो, पंजाब दे जेड़े हालात बने है ना, वह बने नहीं बनाए गए है। तुसी वेखो कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज दा यह झंडा है मेरे हाथ विच, मैं पक्का रखदा। पंजाब पुलिस दे अधिकारियां ने कुछ ने पिछले दिनी आ झंडा जिहड़ा टारगेट किया, इस झंडे नू खालिस्तान पता नहीं कदे कदे नाल जोड़ के फिरकू रंगत देण दा जतन किया गया। तो गुरु साहब की बख्शिश नाल मैं इस झंडे नू अपने घर ते भी लाया, गड्डी ते भी ला के रखदा। यह झंडा है की है जी, ध्यान दिओ, इस झंडे दे उपर जिथे खालसे दा निशान छपया होया उथे फारसी दे विच लिखिया अकाल सहाए सरकारे खालसा। यह महाराजा रणजीत सिंह दे राज वेले दा झंडा है जिदे नाल सानू सारियां नू बहुत मुहब्बत करनी चाहीदी है, प्यार करना चाहीदा है कि असी इत्थे तक लद्दाख तक दा राज, एड्डा वड्डा राज, और ओ राज जिस राज दे विच कदे एक भी बंदे नू फांसी नहीं दित्ती गई, कदे भुखमरी नहीं फैली, अते कदे कोई धार्मिक दंगा नहीं होया। ओ राज जिहदा विश्व भर दे विच जिहड़े राज दीआं मिसालां दित्तियां जा रहीआं ने, ते अज पंजाब दी धरती दे उपर उस राज दीआं निशानियां नू टारगेट किया जा रहा। जे मेरे वर्गा बंदा यह गल करदा है पंजाब विच रह के कि एक पासे गैंगस्टर जिहड़े ने ओह जेल दे विचों इंटरव्यूआं कर रहे ने, जेल चों तुसी सुनिए, जेल चों इंटरव्यू होगी, ते दूजे पासे सब तो खतरनाक बंदा भारत दा कौन है, अमृतपाल सिंह, सब तो खतरनाक, बहुत बड़ा अत्तवादी, सब तो वो है ते उहदे साथी ने। फिर वो ड्रामा रचिया, मैं कुछ सहमत नहीं हाँ भाई अमृतपाल सिंह ना 100%, पर मैं ये कहना चाहना कि तुसी जिन्हों मर्जी जदों मर्जी टारगेट बना लो, कि किसी बंदे नू रेस्ट करना है अद्धी रात नू फड़ लो, पहला पेंदी है छापे सब दे पे है। बेअदबी दे मौके जदों असी लड़ाई लड़ रहे सी 15 च, उदों मेरे फादर साहब नू जेल छुट्टिया सी, चुक के अद्धी रात नू चुकिया सी, जान बुझ के दगड़ दगड़ कराउणी, कदे ओह यूपी च है, उत्तराखंड च है, नेपाल तक सारे मीडिया राही गेड़ा कढ़ाता तां जो फिर सारे लोगों नू दस्या जा सके कि एड्डा खतरनाक बंदा सीगा। पैरामिलिट्री लगी, मैं पंजाब सरकार नूं केंद्र सरकार नूं उत्थे भी पुछदा, ओह भलिओ गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी करन वाले तीन अहम बंदे ने, मैं नहीं कहिंदा तुहाडियां SIT कहिंदी है, तुहाडियां रिपोर्टां कहिंदियां, प्रदीप कलेर, हर्ष धूरी, संदीप ब्रेटा, ते इन्हां तीन बंदियां नूं फड़न वास्ते कदे पैरामिलिट्री नहीं लगी, कदे छापामारी नहीं होई। किन्ना चिर हो गया कहिंदे साडी पहुंच तो बाहर ने, लुकआउट नोटिस जारी होया हो। दूजे पासे सिखां नू आम जे सिखां दे उत्ते NSA लाया जा रहा, एहसास करियो NSA ते। मैं आ गल्लां सवाल करके पा दा, फेसबुक पेज बंद कर दो जी, अकाल चैनल ते बैन करता मेरा फेसबुक पेज, होर कईयां दे कीते आ। मतलब ये किस किस्म का माहौल है, ये किहड़ी आना ऐलानी एमरजेंसी है कि तुसीं धक्का करी जाओगे जिवें मर्जी खालसे दे नाल, फिर तो सिख की परिभाषा ही खत्म हो जूगी, जे सिख इदां दब गया, इदां डर गया।
और मैं बेनती करदा इतों प्रधान साहब नूं तौड़ा साहब नूं हुण सरकारे दरबारे उन्हां दी पहुँच बन गई है कि मैं तुहानूं दसदा की धक्के हो रहे हैं। तुहानूं भी पता सारियां गल्लां दा, बंदी सिंघां दा मेरे कोल सारा रिकॉर्ड पिया जी। बंदे ओ भी ने जिहड़े उम्र कैदा हुई है, अज मैं चक्के नहीं लेके आया, उम्र कैदा हुई है तो दो दो साल बाद छड़ दिते है, दो दो साल बाद छड़ते उन्होंने भी उम्र कैदा माफ ने। क्यों? क्योंकि वह बेकसूर सिख नौजवानों के खून नाल होली खेड़दे सी, झूठे पुलिस मुकाबले करने वाले कातल जड़े ने वो छड़ दिते है। तो साडे बंदी सिंह जिहड़े केंद्र सरकार ने खुद किया है 2019 दे विच गुरु नानक साहब के 550 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित जिहड़ा मनाया सी 550 साल प्रकाश पुरब कि असीं आ बंदे तुहाडे छड्डणे आ, अजे तक बंदे छड्डे नहीं जा रहे। होर बहुत बड़े धक्के है, बहुत बड़ी दास्तान है, पर माफ करियो मैं बेनती करांगा कि असी जिहड़े सिख हां ना वो वाहिगुरु जी का जदों खालसा बन गए ना प्योर आजाद एक अकाल पुरख के अधीन रह के विचरन वाले तो आपस में इतफाक रखने वाले बने रहें, सब सके बरादर एक को दूसर देवत आदर है इन में इतफाक महान सिख सिख पर भारत प्राण। जदों असी सारे गुरु ग्रंथ साहब के सिख बन के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे माता साहिब कौर के पुत बन के विचरांगे ना फिर ये धक्के बंद होने हैं, फिर ही चढ़दी कला होनी है। खालसा प्रगट दिवस दियां तुहानू सारियां नू लख लख बधाइयां, पर अपने अपने अंदर निगाह मारीए कि की असी वो खालसे हुण बन गए हैं जां असी उस पासे बनना भी चाहुंदे हां, ईमानदारी नाल वो राह असी फड़ना चाहुंदे कि नहीं। बाकी बड़ियां गल्लां हुण विस्तार दा वक्त है नहीं, ये मैं बहुत संखेप दे विच ही थोड़ा जिहा नुकते तुहाडे नाल सांझे कीते है कि फिर सवाब बनिया विस्तार च गल करांगे। गुरु महाराज बख्शिश करन, अमृत संचार का प्रोग्राम भी प्रबंधक वीरां ने रखे, मैंने दस्या सी जरूर बढ़ चढ़ के जिहड़े नौजवान भरावां ने भैणां ने वीरां ने अमृत नहीं छकिया वो जरूर अमृत छकियो। और मेरी हथ बन के बेनती है कि जिथे विचार की गल है सानू दोनों बख्शां गुरु ने कीतियां, पता नहीं कौन सानू पढ़ता पढ़ाउंदा है, कोई कहिंदा जी विचार ही चाहिए है, कोई कहिंदा हथियार ही चाहिए है, सानू विचार भी चाहिए तो हथियार भी चाहिए। ये तो गुरु तो सियाने तो असी हो नहीं गए, शस्त्र तो शास्त्र जे हथियार नहीं चाहिए फिर आ कृपान जिहड़ी पाई है भी हथियार ही है, ये भी ना पाया करो, कमाल की गल है। निहत्थे कर दो सिखां नू, सिखां दे घरे तां वैसे ही नहीं हुण सोटी ते हुंदी तुहानू डंडा भी नहीं लभदा, निहत्थे कर दो ना इन्हों की लौड़ है, तो एवें पंजाब चाहो तुहानू गेड़ा मराइए। जिन्ने डेरे वाले है जिन्ने पखंडियां दे चेले है सारियां नू लाइसेंस बना बना के दिते है ते साडे आगू हथियार नहीं जी चाहिए, फिर गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब तों अगों भी रख दो पासे, नहीं चाहिए हथियार माला फड़ लो सारे जाने अखां मीच के फिर ही जाओ, आउणगे कुट जाणगे लुट जाणगे, ऐं करदे रहे आ पहला। खालसा प्रगट दिवस ते घट्टो घट सिख दोनों ताकतां ने साडे कोल नीति भी बड़ी सिरे दी चाहीदी है, राज करन वाली कौम है ते साडे कोल हथियारां नाल भी असीं प्यार करना, हर सिख भैण नूं गटका सिखना चाहीदा। वह लोग ते गटके दीआं क्लासां अपने हथियारां दीआं ट्रेनिंगां दे रहे हैं जिन्हां दा कोई विरसा ही है नहीं, असीं अपने बंदिआं नूं कह रहे हैं जी बचियो किते पेन चक लो, पेन भी चकनी है भरावो, पेन वालिआं ने रंग जिहड़े लाए वह भी सानूं पता, दिखाओ तो सही रंग लाए हुए, कल्ले पेन वाले दे रंग तो दिखा दो लगे हुए भी आ कौम लई खड़ गए बंदे, पेन ही चक्किया सी के पी एस गिल ने, पेन ही चक्किया सी बेअंत सिंह ने, असी नहीं चकना इहो जिहा पेन, पेन भी चकांगे पर वह पेन मोहर भी आऊगी जदों ताकत विच आ गया बाबा बंदा सिंह बहादुर, सिक्का जदबर हरदो आलम तेग नानक वाहे वस्त, फतेह गोबिंद सिंह साहे शाह फजल सच्चा साहे वस्त। मोहर दे उत्ते भी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दा नाम होवे वो ताकत चाहीदी है, ना कि उही। ते मैं एक हथ बन के बेनती करदा
कि जिहड़ियां सिखां दीआं कुरबानियां ने वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं हैगीआं। यह भी मैं कह दिया बेनती सारी गल नूं लिया के देश ते खड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे नाल बैठ के गल कर लिओ। हुण इत्थे आ गए वीर अपने ढाडी जथा, पांच मिनट उड़ीकदा बह के गुरु गोबिंद सिंह महाराज देश भगत नहीं हन। गुरु गोबिंद सिंह नूं देश भगत कहना गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बेमुख होने के बराबर है। इहदा मतलब देश वड्डा है, गुरु छोटा है। गुरु वड्डा है, देश तां हजारां बारे जा सकदे आ गुरु तो कि भारत के अंदर अंदर रहिंदे होए लोकां दा गुरु है। भारत मतलब देश वड्डा है तो गुरु उहदा भगत है? ना 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 ना, असी गुरु महाराज के ओट आसरे कहना चाहते हैं। गुरु साडा बहुत वड्डा है ते तुसी देश दे हुक्मरानो जे देश दा भला चाहते हो देश नू मन्नू सिमरति दी चुंगल चो कढ के गुरु गोबिंद सिंह दे पैरां च रख दो। इहदे नाल देश दा भला होगा, देश दा भला इत्थों होना है, सरबत दे भले दी विचारधारा चो होना है ते होया है। जदों गुरु गोबिंद सिंह नू मन्नण वाले पावर दे विच आए उस राज दीआं मिसालां ने मैं तुहानू दसियां ने, ते एवें जिन्हें देश भगत बनने का चौ चढ़िया होया कोई बन सकता है, पर साडा सिखां दा तां उन्ना समा नितनेम पूरा नहीं हुंदा जिन्ना चिर पढ़दे नहीं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। ते सरबत विच पूरा ब्रह्मांड आ जांदा है, पूरा ब्रह्मांड। ते तुसी धरती दे इक छोटे जिहे टुकड़े की गल करी जांदे हो, यह भी विच ही आ जांदा है। देश का भी भला चाहते हाँ पर असी पूरे ब्रह्मांड का भला चाहते हाँ, ब्रह्मांड का। गुरु की सोच ब्रह्मंडी सोच है, इनू टुकड़िया तक ऐ ना रखो। फिर अपना देश भगती का प्रोग्राम रख लिया करो, एवें संगत नूं क्यों गुमराह करदे आ। देश भगती का प्रोग्राम रख लो, तिरंगे लाओ, मुबारक है, कोई गुनाह थोड़ा है। देश भगती का प्रोग्राम रख लो, परेडां कराओ, सब कुछ रखो, तो तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भी देश भगत है, साहबजादे भी देश भगत है, वीर बाल दिवस है। ये सारा ड्रामा जिहड़ा चल रहा है चलना नहीं, कूड़ नखुट्टे नानका ओड़क सच रही। मेरिया गल्लां चुभण गईयां बहुत, पर जे कोई जवाब होवे मैं पांच मिनट उड़ीक के जाना गेट ते। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो, शायद मेरा ये लास्ट प्रोग्राम होवे इत्थे, क्योंकि मैनू पता है मैं सारिया गल्लां रिस्क लैके कर रहा, तो तुसी थोड़ा जिहा इन्हां गल्लां नूं सीरीयस लिओ। मैनू पता है मैं कदे प्रोग्राम इस करके नहीं गल करदा जी, फिर मैनू होर बहुत वड्डा कुछ हैगा मेरे कोल, मैं उह जिद्दे लिबड़ांगे ना जिद्दे डिग्गांगे तुहानूं कल्ले कल्ले नूं पता लगू, फिर इन्नी कु गल ते नहीं डिगदी स्टेज विच। सो इसलिए महाराज कृपा करे कि सच की गल दृढ़ता नाल कह सकीए। तुहाडा सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, तो प्रबंधक सज्जना का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली अपना जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है सरदार रणजीत सिंह तौड़ा, तो सारी मैनेजमेंट इतों के पिंड का ना कडियाल है, डड्डे नाल है ना जी, कडियाल डड्डे नाल। अच्छा मैनू ये पता लग्या सी, तुम चैक करो चंगी तरह भी है डड्डे नाल, तो कहण दद्दे नाल लागे इदा कुछ। अच्छा ठीक है जी, ठीक कर लियो। मतलब सानू पता ही नहीं लगता कदों असी सरदार तो श्री बन जाने, अखबारों लिए लिख देंगे श्री फलाना सिंह, फार्मा तो सरदार जी तो श्री। ये हौली हौली ये बरीकियां समझियो, सारिया का तुहाडा धन्नवाद जी। मैनू फतेह की आवाज़ तो पता लग जाना भी जे तो बैठे से तुम औखे, फिर तो आवाज़ आनी ढिली जी, जे गल्लां समझ आईयां आवाज़ गर्जमी होनी चाहिए है। तो वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।